नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपको पता है मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं, चाहे फिर कोचिंग हो, पीजी हो, बुक शॉप हो, नेहरू विहार हो, बजीराबाद, संत नगर, इसके आसपास का जो भी एरिया है सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए। और हाल ही में अभी जो 2021 का UPSC CSC का रिजल्ट आया था उस पर हमने बहुत सारे छात्रों से चर्चा की है और बहुत सारे शर्माते हैं या फिर डरते हैं या घबराते हैं, बाहर दूर रह के तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट हैं, हम इनसे ही बात करेंगे कि जो अभी रिजल्ट आया, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज और मेल आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं कि अभी जो रिज़ल्ट आया था 2021 का, उसमें अगर हम टॉपर्स को देखें तो टॉपर्स का फ़ोटो कुछ कोचिंग को छोड़ के लगभग हर कोचिंग के ऊपर नज़र आ रहा है फ़ोटो। तो बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम एडमिशन कहाँ लें और कहाँ ना लें, क्योंकि उनको हर कोचिंग के ऊपर उनका फ़ोटो दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा है यह मेरा स्टूडेंट है, कोई कह रहा है यह मेरा स्टूडेंट है, कुछ कोचिंग को छोड़ के कई बड़े बड़े कोचिंग हैं उन्होंने भी लगाया हुआ है। तो बच्चे जो है ना एकदम परेशान हो गए हैं, छात्र एकदम परेशान हो गए हैं, उसी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। और जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं विकास जी, इनको आपने कई वीडियो में देखा होगा। सबसे पहले मैं विकास जी आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो 2021 का UPSC CSC का रिजल्ट आया था, हमारे पास में कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं छात्रों के कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम एडमिशन लें कहाँ। अभी जो 2021 का UPSC CSC का रिजल्ट आया, तो क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे हिंदी मीडियम के सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट रहते हैं। देखिए, MLM नेटवर्क मार्केटिंग और UPSC की कोचिंग दोनों में एक ही समानता है, दोनों सपने बेचने का धंधा करती हैं। इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग शिकार होते हैं। इसकी मार्केटिंग इस तरह से की जाती है, इसकी मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है, इसके बहकाव में कोई भी आ जाता है। जैसे आप देखते हैं, एक गरीब किसान का बेटा बना IAS, एक चाय वाले की बेटी बनी IPS, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का बना अधिकारी। आप देखेंगे कि नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ जहाँ UPSC की कोचिंग है वहाँ पे जगह जगह सड़कों पे पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं। हर कोचिंग दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसके कोचिंग संस्था से हुई है और सबसे ज़्यादा टॉपर्स वहीं से निकले हैं। अगर हाल ही की बात करें, जो अभी UPSC का रिजल्ट आया, जैसे आज मैं अखबार देख रहा था, उसमें श्रुति शर्मा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक वन है, उनका दीक्षांत IAS ने भी फ़ोटो लगा रखी है, बायजूस ने भी लगा रखी है, और वो जामिया मिलिया इस्लामिया जहां से कोचिंग की उसने भी लगा रखी है। आप देखेंगे कि एक ही टॉपर्स की फ़ोटो 15-20 कोचिंग संस्थान ने लगा ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपर्स जो हैं रोबोट है, हर जगह उड़ के जा रहे हैं और वो पढ़ ले रहे हैं। आप देखेंगे जो UPSC का रिजल्ट है उसमें 600 से 700 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और अगर पूरे इंडिया के अंदर देखेंगे तो 30 से 40,000 IAS और PCS की कोचिंग है, और हर कोचिंग दावा करती है कि सबसे ज़्यादा टॉपर्स और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उनके कोचिंग से हुआ है। और अगर आप देखोगे तो जो हर कोचिंग जो 200 का सिलेक्शन का डाटा बताती है, अगर उसको आप जोड़ लोगे तो वो कहीं ना कहीं 15 से 20,000 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए नेहरू विहार की और इसके आसपास के एरिया की, यहाँ पे हिंदी मीडियम के सबसे ज़्यादा छात्र रहते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार कुछ सुधरा है, तो क्या आपको लगता है? जैसे 18वीं रैंक है, 22वीं रैंक है और कुछ और भी रैंक है, तो लोग कह रहे हैं सुधरा है, क्योंकि छात्र हिंदी मीडियम के बहुत ज़्यादा है। अगर इस बार जो UPSC का रिजल्ट आया है, हिंदी माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ रैंक लगी है रबी कुमार सिहाग की 18वीं है, फिर उसके बाद सुनील कुमार धनवंता की 22वीं रैंक है, तो और इसके 7 साल पहले निशांत जैन की 13वीं रैंक आई थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है सुधरा नहीं है, आप क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, अगर आप रवि सिहाग की बात करोगे तो वो 3-4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके अब जाके उनकी 18वीं रैंक लगी है। आप सुनील कुमार धनवंता की देखोगे, इसके पहले IPS थे, अब जाके उनकी 22वीं रैंक लगी है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो सुधार होना चाहिए वो नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम में आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग टॉप कर जा रहे हैं, हिंदी मीडियम में उनको 5 से 6 साल सिलेक्शन लेते लेते तब टॉप करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसमें फ़र्क क्या है? जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं पढ़ने में कमज़ोर हैं, इनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, इंग्लिश मीडियम वालों का कैसे निकल जाता है, उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है, या फिर यहाँ आने के बाद पढ़ते नहीं हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी माध्यम का छात्र कौन होता है और हिंदी माध्यम का छात्र कौन होता है। अंग्रेजी माध्यम का छात्र वो होता है जो CBSE बोर्ड और ICC बोर्ड से पढ़ाई करता है, और फिर
उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए IIT, NIT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, MBA से ग्रेजुएशन करता है, फिर IAS की तैयारी करने के लिए आता है, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन जो हिंदी में माध्यम का छात्र होता है वो स्टेट बोर्ड से पढ़ा होता है, जब स्टेट बोर्ड से पढ़ा होता है फिर अपने शहर के स्कूलों में BA BSc किसी तरीके से करता है और फिर 20-22 साल की उम्र में तैयारी करने के लिए आता है और पहली बार NCERT पढ़ रहा होता है और पहली बार कोई भी कोचिंग में किसी को कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको 2 साल लग जाते हैं कम। और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनकी CSAT, इंग्लिश ये सब कमज़ोर रहती है और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं होती, NCERT फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे नए छात्र मेरे पास में बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहे हैं, मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो फोटो छापने का फंडा है टॉपर्स का हर जगह, मतलब हर कोचिंग कुछ कोचिंग को छोड़कर छाप रहा है, तो छात्र थोड़ा भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, परेशान है, उनके घर वाले भी कॉल कर रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, जब प्रीलिम्स कोई क्वालिफाई करता है, प्रीलिम्स मीन्स इंटरव्यू की तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान में जाता है, तो उसको बाकायदा क्लास में नोट्स बनाए जाते हैं। जो स्टूडेंट मेंस निकाला उनको पता ही नहीं कि उनकी हॉबी क्या है और वो जो सिलेक्शन लिए उनको क्या इंटरव्यू में बोलना चाहिए। जो कोचिंग संस्था के टीचर होते हैं वो उनको बाकायदा बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आपको इंटरव्यू में ऐसा बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उनको बाकायदा झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप इसको जाइए रट के बोलिए। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू देखेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब 20-25 मिनट का इंटरव्यू होता है फिर लास्ट में उनको बताया जाता है ये आपकी कमियाँ हैं, इसको और अच्छे से बोलो। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है उनका, फिर उसके बाद वो जब उनका सिलेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद आप देखेंगे जिस कोचिंग संस्था से उनको जितनी ज़्यादा पैसे मिली रहते वो उसी कोचिंग की प्रशंसा करते हैं और जो सर से उनको पैसे मिलते हैं उन्हीं सर ही गुणगान करते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों को पता नहीं चलता कौन सा टॉपर्स कहाँ से पढ़ाई किया है। आप देखोगे कि एक ही टॉपर्स के हर कोचिंग संस्था फोटो छाप दिया है, इसमें क्या है कि जो नए बच्चे हैं वो बहकावे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे आप मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मतलब पैसे दे देते हैं, क्या आपको ये इतना सही और सटीक तरीके से कैसे पता है, आपको कोई करीबी गया या फिर आप भी गए? नहीं देखो, करीबी तो नहीं गया, मैं तो यहाँ पे देखता रहता हूँ, नेहरू विहार में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और जब वो कीपैड फ़ोन चलाते रहते हैं सिंपल, और जब वो कोई कोचिंग कहता कि आप हमारे कोचिंग में बता दीजिए पढ़ें आपको आईफोन मिल जाएगा, तो वो आईफोन के बहकावे में बता देते हैं हम यहाँ से पढ़े होते हैं। बहुत सारे बच्चे, उनका पूरा गांव, एक बच्चे का सिलेक्शन होता है पूरा गांव उठ के चला आता है तैयारी करने के लिए, अब उसी चक्कर में पूरे गाँव का करियर बर्बाद हो जाता है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये कड़वा सच बता रहे हैं जो कि हर कोई नहीं बताएगा, हमारे पीछे काफ़ी भीड़ है लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है यहाँ पे आने की, वहाँ से देखते रहेंगे क्योंकि थोड़ा डरते हैं सामने आने में। और कुछ कहना चाहेंगे नए छात्रों को? नहीं, कोई कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। UPSC में कुछ कन्फर्म नहीं है कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कई लोग क्या होता है 5-5 अटैम्प्ट देते हैं सिलेक्शन नहीं होता, 6 अटैम्प्ट में टॉप कर जाते हैं, तो मतलब UPSC में कुछ पता नहीं कौन टॉप करेगा कौन फेल करेगा और जो किसी को भी नहीं पता है कि उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब भी आप मुखर्जी नगर, करोलबाग, इलाहाबाद कहीं पे भी जाते हैं ना, पहले आप देखिए वहाँ पे जिसने फोटो लगाया ना उससे पूरा प्रूफ मांगिए, क्योंकि आपके घर वालों के बड़े मेहनत के पैसे होते हैं, कोई अपना लोन लेके भेजता है, कोई खेती बाड़ी बेच के भेजता है, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको ऐसे ही 1-2 घंटे में आकर के और पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई होती है। तो आप बड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए आज बना रहा हूँ, मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपके माता पिता के मेरे पास हैं, फ़ोन आ रहे हैं, आप क्या रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम जहाँ पे भी नज़र उठा के देख रहे हैं, जहाँ पे UPSC के कोचिंग है जिस एरिया में, हमें टॉपर्स का फोटो हर जगह दिखाई मिल रहा है। कोई कह रहा है हमारे यहाँ से 150 सिलेक्शन हुए हैं, कोई कह रहा है 200 हुए हैं, अरे आपके यहाँ से अगर 150 हो रहे हैं, आपके यहाँ से 200 हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, अगर आपका इतना ही सिलेक्शन है तो आप यहाँ से समझ जाइए कि कितनी बड़ी लेवल पे फ्रॉडबाजी हो रही है, आपके जो मेहनत के पैसे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही डूब जाएंगे। आपका सपना है, उसके लिए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, लेकिन इस तरीके से पैसे वेस्ट मत कीजिए। आप लोग मुझे लाखों की संख्या में प्यार देते हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मेरा फ़र्ज भी है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।